नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। एक अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव 2022 से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको देते हैं। मतगणना और नतीजे आने का सिलसिला लगातार जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार जो मतगणना और नतीजे हैं उनके आने का सिलसिला धीरे धीरे करके लगातार जारी है और यूएसयू प्रत्याशियों के भाग्य का जल्द होगा फैसला। तो फिलहाल लगातार मतगणना हो रही है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो जल्द जारी हो जाएगा। और इस वक्त जो है मतगणना लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दे कि कल वोट डाले गए थे और आज जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे। दरअसल राजस्थान छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित होने के सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अगर बात करें तो आज जो कल एक बजे तक वोटिंग खत्म होने के बाद छात्र प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हुआ था और आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इस वक्त फिलहाल जो छात्र संघ चुनाव राजसमंद की बात करें तो वहां पर आमेट विश्वविद्यालय में एपी का परचम लहराया है। कोटा की अगर JDB साइंस कॉलेज की बात करें तो वहां पर NSUI जीती है। तो फिलहाल तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और जयपुर की अगर बात कॉमर्स कॉलेज की करें तो वहां पर आदित्य शर्मा अध्यक्ष चुने गए हैं। महासचिव पद की अगर बात करें तो विशेष चंदोलिया, उपाध्यक्ष पद पर आशीष महावर, संयुक्त सचिव पद पर विजय शर्मा जीते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। आपको जानकारी दे दे कि जयपुर के महाराजा कॉलेज से अध्यक्ष पद पर संदीप गुर्जर को जीत मिली है। बहुत कम वोटों के अंतराल से उन्होंने जीत दर्ज की है। 2 साल बीते कोरोना की वजह से जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं हुए थे। अब जब हालात सामान्य हो रही हैं, कोरोना का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो इस बार छात्र संघ चुनाव में भारी भरकम भीड़ देखने को मिली थी। छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई थी और अपना वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो फिलहाल लगातार जो वोट है वो डाले जा रही हैं। तो नतीजे लगातार सामने भी आ रहे हैं और अभी भी वोटों की गिनती कोई कोई कॉलेजों में लगातार जारी है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त जो सेंटर्स है वहां पर तैनात है। तो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जल्द हो जाएगा। धीरे धीरे करके नतीजे सामने आ रहे हैं और काफी उत्साह छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल धीरे धीरे करके नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं कहीं वोटिंग भी हो रही है के बाद नतीजे भी सामने आ रही हैं। कल जब मतदान हुआ था तो सुबह से शुरू हो चुकी थी वोटिंग की प्रक्रिया। दोपहर 1 बजे तक लगातार जारी थी और मतपेटियों में उसके बाद सभी छात्रों का भविष्य जो है वो कैद हो गया था। और आज धीरे धीरे करके सभी मतपेटियां खुल रही हैं और नतीजे सामने आ रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे स्कूल्स कॉलेज हैं जहां पर नतीजे अब तक स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर धीरे धीरे करके परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। कुछ टकराव भी देखने को मिला था वोटिंग के दौरान। अध्यक्ष पद पर NSUI के हर्षित कुमावत विजयी हुए हैं।
कोटा JDB कॉलेज के साइंस वर्ग का परिणाम सामने आया है। परिणाम में NSUI का पैनल जीता है। अध्यक्ष पद पर अंजलि मीणा की जीत हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव पहले हो चुके हैं निर्विरोध। बीकानेर की अगर बात करें तो जैन कन्या महाविद्यालय का परिणाम सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी निशा सोनी ने बाजी मारी है। AVP के प्रत्याशी पल्लवी को हराया है। बाकी सभी पदों पर AVP का पूरा पैनल जीता है। तो मतगणना और नतीजे आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार धापुवाली की जीत हुई है। DAV महाविद्यालय में कृष्ण सिंह निर्दलीय की जीत हुई है। लूणी राजकीय महाविद्यालय का परिणाम सामने आया है। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उषा प्रजापत की जीत हुई है। नसीराबाद श्री गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय का परिणाम सामने आया है। NSUI के धनवीर गुर्जर ने जीत दर्ज की है। 71 वोटों से धनवीर गुर्जर ने जीत दर्ज की है। राजकीय संस्कृत आचार्य महाविद्यालय पोली के परिणाम घोषित किए गए हैं। AVP के महेंद्र गुर्जर 75 मतों से विजयी हुए हैं और निर्दलीय प्रसन्न बाई को शिकस्त दी है। उपाध्यक्ष पद पर AVP के रौनक विजयी हुए हैं। निर्दलीय पंकज शर्मा को दी 88 मतों से शिकस्त। प्रशांत इस वक्त जयपुर से मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रशांत, जयपुर के परिणाम जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब तक किन किन कॉलेजों का परिणाम स्पष्ट हो चुका है? देखिए, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद है ये चुनाव कराए जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जब मतदान किए गए, जब भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े कर ले गए थे और अभी भी जो मतगणना के समय भी है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस की जो टुकड़ियाँ है वो लगातार तैनात है। अभी कुछ देर पहले जो लॉ कॉलेज के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, जो जीत हासिल किए जिन्होंने, वो अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आए थे। उनके जो समर्थक थे वो लगातार उनको उनके जो हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जो जीत है उसको मना रहे थे। जी ठीक है, अभी क्योंकि धीरे धीरे करके रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, क्या कुछ छात्र छात्राओं का कहना है इस बार किस तरीके से वोटिंग हुई थी, क्योंकि 2 साल बाद हुई है और हमने देखा किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी जब एक एक वोट के लिए प्रत्याशी छात्र छात्राओं के बीच जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से हैं जो काउंटिंग चालू हो चुकी है। लगातार जो अलग अलग रुझान है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर बात करें 11 बजे की, तो सुबह 11 बजे हैं जो बागी हुए थे NSUI से निर्मल चौधरी, उनका नाम सामने आ रहा था कि वो आगे चल रहे हैं, मगर जैसे ही समय का पहिया आगे चला, करीबन 12:40 के पास है जो अब है, जो NSUI से दूसरी बागी हुई थी निहारी का जोरवाल, वो अब जो निर्मल चौधरी है उनसे आगे निकल गई है। तो देखिए, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई है जो दोनों बागियों के बीच में है। लगातार जो है काउंटिंग जारी है, कुछ देर में है जो तस्वीर सामने होगी। आप देख सकते हैं हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद है और जो व्यवस्था के तमाम इंतजाम है वो यहाँ पे कर लिए गए हैं। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जिस हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव कराए जाते थे वैसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय में ही जो है गणना की जाती थी, मगर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार है नवीकरण का काम किया जा रहा था, इसके चलते जो
मतगणना है वो कॉमर्स कॉलेज में की गई है। अगर संगठन कॉलेजों की बात करें तो परिणाम आना चालू हो गए हैं। महाराजा कॉलेज से बात करें तो महाराजा कॉलेज के संदीप गुजर है वो अध्यक्ष बने, कॉमर्स कॉलेज की बात करें कॉमर्स कॉलेज के जो आदित्य शर्मा है वो अध्यक्ष बने, राजस्थान कॉलेज में है जो लक्ष्य राज है उन्होंने जीत हासिल करी है, वहीं महारानी कॉलेज की अगर बात करें तो जो मानसी वर्मा है उन्होंने जीत हासिल करी है। तो देखिए जो लगभग कहे कि जो संगठन कॉलेज है उनके जो परिणाम है वो जारी हो चुके हैं, मगर जब अब है राजस्थान विश्वविद्यालय की बात, लड़ाई है जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं दो बागियों में चल रही है, निहारिका जोरवाल और निर्मल चौधरी। कुछ देर में है जो तस्वीर साफ हो जाएगी और हम सबके सामने है जो परिणाम सामने होंगे। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अजमेर चलते हैं इस वक्त, जावेद खान वहां से संवाददाता जुड़ गई है। जावेद, अजमेर के क्या हाल है, किस तरीके से परिणाम है वो घोषित किए जा रही है और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? महाविद्यालयों के जो परिणाम अभी आ चुके हैं इसमें आप देख सकते हैं, बता सकते हैं हम आपको दर्शकों को, एमबीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एबीवीपी ने अपनी बाजी मारी, लॉ कॉलेज में जो है एनएसयूआई आगे आई है, वहीं डीएवी कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो डीवी कॉलेज में जो है निर्दलीय ने जो है कृष्ण सिंह जी है उन्होंने जो है अपना पर्चम फहराया है। वहीं संस्कृति कॉलेज की अगर बात करें, संस्कृति और सावित्री कॉलेज की बात करें, कन्या महाविद्यालयों की बात करें तो एनएसयूआई ने अपना पर्चम फहराया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्साह अगर देखा जा रहा है छात्र छात्राओं में तो अभी जिस वक्त अभी हम खड़े हैं अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, सबसे ज्यादा जो है वोटर भी यहीं पर ही है, छात्र छात्रा भी यहीं पर ही है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट अभी तक इसका डिक्लेयर हुआ नहीं है, अभी काउंटिंग जारी है, कुछ देर बाद तो शायद इसका रिजल्ट जारी हो जाए। जी ममता, ठीक है जावेद, कब तक माने कि पूरे तरीके से परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे? अभी प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई है, जो चुनाव के अधिकारी हैं जो रिजल्ट जारी करेंगे और आधिकारिक घोषणा करेंगे, लगभग आधे से पौन घंटा उन्होंने बताया कि आधे से पौन घंटे के अंदर अजमेर के सभी महाविद्यालयों के जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जी ममता, ठीक है जावेद आप बने रहिए मेरे साथ, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, इस बार प्रत्याशी कौन अधिक थे, महिलाओं का वर्चस्व अधिक है या फिर पुरुषों का वर्चस्व अधिक देखने को मिला? देखिए अगर प्रत्याशियों की बात करें तो संगठन से दो नाम निकलकर सामने आए, एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी से नरेंद्र यादव का नाम सामने आया था, वहीं एनएसयूआई से बात करें तो एनएसयूआई से रितु बराला, दो एनएसयूआई के जो बागी हुए हैं उनके नाम निकलकर सामने आए थे, पहले हैं जो निर्मल चौधरी और दूसरे हैं जो निहारिका जोरवाल। निहारिका जोरवाल है जो लगातार एनएसयूआई से टिकट की कतार में लगी हुई थी, मगर जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। और आपको अपडेट बता दें, अभी अभी एक अपडेट निकल कर आ रही है कि जो बागी हुई थी निहारिका जोरवाल वो अभी सबसे आगे चल रही है, हालांकि ये अपडेट 11:50 पे भी आई थी, मगर अब बता दें आपको जो सबसे ज़्यादा काउंटिंग लगातार जारी है और जो सबसे ज़्यादा आगे चल रही है निहारिका जोरवाल लगातार आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर की वहाँ बात करें तो दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के दूसरे जो बागी हुए थे निर्मल चौधरी वो आगे हैं। जी मतलब साफ है प्रशांत कि इस बार जो निर्दलीय है उन्हें ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अगर पहले के भी अगर रिकॉर्ड हम देखें तो पहले भी जो पूजा वर्मा है वो लगातार एनएसयूआई से कतार में थी टिकट लेने के, मगर जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो भी बागी होकर लगातार चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल करी थी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का ये इतिहास है, इतिहास अगर हम पहले का देखें तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय से बागी होकर पूजा वर्मा भी चुनाव लड़ी थी और उन्होंने भी जीत हासिल करी थी, और अब स्थिति जो निकल कर सामने आ रही है कुछ देर में जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अभी भी जो तस्वीर है ये निकलकर सामने आ रही है कि जो एनएसयूआई से जो दो बागी हुए थे वो उनके नाम सामने आ रहे हैं अध्यक्ष पद की जीत के लिए। जी ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शक